नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है, आखिरकार हाथ में कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जिनकी उपस्थिति में, जिनके हाथ में होने पर व्यक्ति को बेफिक्र होकर पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। आज की हमारी वीडियो का टाइटल और थंबनेल का विषय यह है, हाथ में कौन से क्षेत्र पर कौन से चिन्ह होने पर व्यक्ति को पन्ना रत्न करोड़पति और अरबपति बनाता है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के हाथ में व्यापार रेखा जो कि चंद्र क्षेत्र के पास से प्रारंभ होकर सीधे बुध क्षेत्र तक आती है, कभी कभी यह रेखा हाथ में पूरी होती है, कभी कभी कुछ कम होती है या टूटी फूटी होती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में व्यापार रेखा, बुध रेखा हाथ में होने पर व्यक्ति के अंदर एक बड़ा व्यापारी और अच्छा वक्ता होने के सारे लक्षण पाए जाते हैं। कुंडली में बुध की परिस्थिति बहुत बढ़िया होने पर व्यक्ति को पन्ना धारण करना चाहिए। नंबर दो, बुध क्षेत्र पर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं यदि आपके हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। बुध क्षेत्र पर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं होने पर व्यक्ति को बिल्कुल बिना विचार किए पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में यदि बुध रेखा यानी कि व्यापार रेखा के नीचे की तरफ छोटी मोटी दो चार रेखाएं और हैं तो ऐसी परिस्थिति में पन्ना रत्न व्यक्ति को तत्काल लाभ करता है और एक वर्ष के अंदर बड़ा फायदा आते हुए देखा गया है। चंद्र क्षेत्र के आसपास से उठकर बुध क्षेत्र पर जाने वाली कोई भी रेखा व्यक्ति को व्यापार में असाधारण प्रतिभा उसके अंदर होती है और बहुत बड़े स्तर की तरक्की ऐसा व्यक्ति करता है। प्रिय साथियों, बुध क्षेत्र पर और भी कोई शुभ चिन्ह हो जैसे स्वास्तिक का निशान, त्रिशूल का चिन्ह आदि आदि बहुत सारे चिन्ह होते हैं, मत्स्य का चिन्ह, तो व्यक्ति को आँख मूंद कर पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।